पिक्चर आई थी दुल्हन भी वही जो पिया मन भाए, लेकिन आज की राजनीतिक परिस्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि सीएम वही जो गवर्नर मन भाए। जी हाँ, एक गवर्नर और उसी के इर्द गिर्द अब जैसे कर्नाटक का भविष्य टिका हुआ है, और उसी वजूभाई वाला के बारे में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखा तो देखिए कैसे बस सज चुकी है, रिसोर्ट तय हो चुका है, विधायकों को ले जाया जा रहा है ताकि उनको संभाल कर सजो कर संभाल कर रखा जाए। आज इन पार्टियों की तरफ से जो कोशिश हो रही है वो लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, क्योंकि ये बताती है कि विधायक ऐसे वक्त पर पलट सकते हैं, अपनी पार्टी छोड़ के कहीं और जा सकते हैं। ये क्या बताता है आपको? क्या बोलकर आए थे आपके घर पर वोट डालने, आज क्या बोलकर सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं? आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मौसमी पहुंची है उस बस के अंदर और दिखा रही है कैसे रिसोर्ट के बारे में जानकारी भी दे रहा है ड्राइवर, बता रहा है कि कहां छुपाकर विधायकों को रखा जाएगा। पहले आपको दिखा दूं ये ऐतिहासिक तस्वीर, कर्नाटक का नाटक या कहें सियासी नाटक अपने चरम पर है, और बाएं हाथ पे आप हमारे देखेंगे तो ये कांग्रेस की एकता की बस है। जी हाँ, पार्टी में एकता बनाए रखने के लिए ये बस की तैयारी की गई है। कांग्रेस केपीसीसी के दफ्तर के बाहर ये बस खड़ी है, नीली और सफेद रंग की 49 सीटर है, और झमाझम अगर अंदर झांकिए तो एसी भी है, एसी भी चल रहा है, और बहुत बढ़िया ये बस है। जरा नजर दौड़ाइए तो आपको 59 सीटर ये बस की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो कांग्रेस विधायकों को ले जाएगी, और शायद कांग्रेस की सत्ता की चाबी भी है कि किस तरह से कांग्रेस अपने गढ़ अपने कुनबे को एकजुट रखे, वो ये दिखा रही है। आप देखिए यहाँ पे बढ़िया एसी चल रहा है, वो नेता जो एसयूवी और एमयूवी और मर्सिडीज से कम में नहीं चलते अब एक बार इस बस में जाएंगे, क्योंकि एक साथ रहेंगे तो बटेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, ये कोशिश है। और कांग्रेस के कांग्रेस पार्टी ने इस बस को यहाँ पे खड़ा किया है, पार्क किया है, और यहाँ से वो लोग राजभवन जाएंगे जहाँ पे गवर्नर साहब से मुलाकात की लगातार गुहार लगा रही है कांग्रेस पार्टी। डैनियल साहब ने पूरा अरेंजमेंट भी किया है। मिस्टर डैनियल, दिस बस इज 49 सीटर और अरेंजमेंट डन बाय केपीसीसी ऑफिस, द अरेंजमेंट फॉर ओनली फॉर द 49 नंबर सेल्फ इज कम, अनदर बस आल्सो केम। अच्छा, कहां जा रही है, वेयर इज इट गोइंग, डेस्टिनेशन? जस्ट लाइक इन राजपाल रावस एंड दैट ईगलटन रिसॉर्ट, आई डोंट नो मैम, आई डोंट नो, ओके, बट द ड्राइवर साहब को सारा रास्ता पता है, रास्ता आपको पता है ईगलटन रिसॉर्ट का ड्राइवर साहब? हां पता है। हां, अभी आपको बताया गया कहां जा ले जाना है? अभी आने के बाद बताते हैं वो, आने के बाद पता चलेगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ आज तक पे देखिए उस बस की, जिसमें पूरे कांग्रेस के कर्नाटक के तमाम विधायक बैठेंगे। जाहिर तौर पे सब लोग की नजरें इस बस पे है कि आखिर ये बस कहाँ जाती है। आइए बाहर का भी आपको हम नजारा दिखाएंगे। ये एमएलए सारे खड़े हुए हैं और सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आगे का क्या इंस्ट्रक्शन है सर? व्हाट इंस्ट्रक्शन यू हैव गॉट? नो, व्हाटएवर द प्रेसिडेंट, द स्टेट प्रेसिडेंट दैट वी विल फॉलो इट। हाउ मच? तो तमाम विधायकों को छिपा कर इसी बस में अब ले जाया जाएगा। हालांकि आप वहां पर आप देख रहे हैं बस तैयार है, रिसोर्ट तैयार है। आइए आपको दिखाते हैं लेकिन, और गौर से सुनिएगा एक एक शब्द को, वो सियासी घमासान जो कर्नाटक पर छिड़ा हुआ है। शब्द और शब्द कहां पाताल में गिर रहे हैं, किसी को परहेज नहीं है इन बातों से। अब सुनिए, बैंक अकाउंट आगते कपण अंत प्रधानमंत्री आगे 100 crore एमएलए पोचिंग and horse trading is not BJP's business, it is what Congress and JDS are famous for. Six states where they would like to lay their hands and break Congress party, but let me assure if they try to say there will be bloodbath. आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आपका परिचय उन खास मेहमानों से कर दें जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मनीषा प्रियम जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गई हैं। वीके अग्निहोत्री जी आज स्टूडियो में आए हैं, जो कि महासचिव रह चुके हैं राज्यसभा के। हमारे साथ आलोक मेहता जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभय दुबे जी हमारे साथ हैं। शशि शेखर जी, वरिष्ठ पत्रकार, जो कि लगातार कर्नाटक के चुनाव में हमारे साथ जुड़े रह रहे हैं। शशि शेखर जी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्र, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ गए हैं। जयवीर शेरगिल, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। दानिश अली, मुख्य महासचिव जेडीएस के, मुख्य प्रवक्ता भी उनको कह लीजिए क्योंकि जमकर बोल रहे हैं, मीडिया पर भी खूब बरस रहे हैं हर चैनल पर। पहले दिखाते हैं आपको अपनी रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। बैंक अकाउंट आगते कपण अंत प्रधानमंत्री आगद 100 crore एमएलए
poaching and horse trading is not BJP's business. It is what Congress and JDS are famous for. Six states where they would like to lay their hands and break Congress party. But let me assure, if they try to say, there will be a bloodbath. कर्नाटक की सियासत के ये दो सितारे जिनके बीच सत्ता की रस्साकशी तेज है, जनता ने किसी को बहुमत ना देकर ये साफ कर दिया है कि सरकार उसी की बनेगी जिसे राज्यपाल का भरोसा हासिल होगा. Since it is the largest party, the governor should call them. And since they are apparently unable at the moment to get majority, then the governor should call the other group. किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं राज्यपाल, लेकिन वो अपने विवेक का प्रयोग करते समय ये देखेंगे कि वो ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर रहे हैं जिसे उनके विचार से सदन के बहुमत मिलने की उम्मीद है. लीगली इसमें कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज है नहीं, ये तो डिस्क्रिप्शन है गवर्नर का. लेकिन डिस्क्रिप्शन जब यूज करते हैं उनको देखना है कि ये गवर्नमेंट जो फॉर्म होगा वो स्टेबल होगा, वो पार्लियामेंट असेंबली का जो कॉन्फिडेंस विन करेगा, ये सब गवर्नर को देखना है, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है. साफ है कि सब कुछ राज्यपाल के विवेक से तय होगा. उन्हें जिस दल पर या समूह पर यकीन हो जाएगा कि वो सदन के पटल पर बहुमत साबित कर सकता है उसी को न्योता देंगे. 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी बीजेपी सरकार बनाने का दावा ठोक चुकी है, लेकिन वो बहुमत के जादुई आंकड़े से 7 सीट पीछे है. वहीं कांग्रेस और जेडीएस ने भी मिलकर सरकार बनाने का दावा किया है. इनके पास 115 सीटें हैं जो बहुमत के आंकड़े से 4 ज्यादा है. ऐसे में अगर गवर्नर ने अब तक कांग्रेस जेडीएस को न्योता नहीं दिया है तो इसका मतलब है कि राज्यपाल को उनके दावे पर कोई संशय है. हालांकि कांग्रेस और जेडीएस का आरोप है कि उनके इस कथित संशय से तोड़फोड़ को बढ़ावा मिल रहा है. यही वजह है कि दोनों दल अपने विधायकों को तोड़फोड़ से बचाने के लिए रिजॉर्ट में रोकने का सहारा ले रहे हैं. कांग्रेस विधायक दल की बैठक में जब 12 विधायक नहीं पहुंचे तो इन अटकलों को और बढ़ावा मिला. हालांकि पार्टी का कहना है कि ये विधायक किसी जरूरी बैठक में थे. उधर जेडीएस कांग्रेस गठबंधन के सीएम उम्मीदवार कुमारस्वामी के मुताबिक उनके विधायकों को बीजेपी की तरफ से 100 करोड़ और कैबिनेट में पद का ऑफर दिया जा चुका. बैंक अकाउंट हाँ कपण अंत प्रधानमंत्री आगे 100 कोटि एम एल इवतु आफर को कपणवेला बीजेपी खजाने पक्षद खजाने. हाल में जो परंपरा सामने आई है उसके मुताबिक बड़े दल की जगह बड़े समूह को सरकार बनाने का न्योता मिलता रहा है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब कांग्रेस और जेडीएस समर्थन की चिट्ठी दे चुके हैं और इन दोनों दलों से इस फैसले के खिलाफ खुलेआम किसी विधायक का विरोध सामने नहीं आया है तो फिर गवर्नर के मन में संशय क्यों है. बेंगलोर से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो. देवेगौड़ा के सुपुत्र कुमारस्वामी जी साफ साफ कह रहे हैं कि 100 करोड़ प्लस एक पद दोनों का ऑफर उनके विधायकों की किया जा रहा है. कांग्रेस अपने विधायकों को समेट रही है, कुछ विधायकों के ना मिलने की भी खबर आ रही है, कुछ को रिजॉर्ट ले जाया जा रहा है, जेडीएस में भी ऐसा है. बीजेपी से क्यों डर रही है तमाम पार्टियां और डरना पड़ रहा है विधायकों को, लेकिन इन सब के बीच वजू भाई वाला आपकी तरफ ही झुकेंगे ये सीधा आरोप लग रहा है डॉक्टर संबित पात्रा. ये बताइए सर कि गोवा और मणिपुर में आपने जो किया था उसी का स्वाद वापस आपको चखा रहा है कांग्रेस पार्टी और जेडीएस का ये गठबंधन. आप कैसे नहीं खाइएगा सर, जो खिचड़ी पकाई है आपने अलग अलग राज्यों में उसका एक चम्मच अब आपकी तरफ भी बढ़ रहा है. देखिए अंजना जी, यहाँ दो बातें हैं. पहली बात तो है मैंडेट का. जहां तक मैंडेट का इशू है इसमें कोई दो मत नहीं है कि कर्नाटका की जनता ने, बुद्धिमान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है और कांग्रेस पार्टी और जेडीएस को नकार दिया है. दूसरी बात टेक्निकल है कि वजूभाई वाला जो कि वहाँ के महामहिम गवर्नर है वो क्या करते हैं. अभी तक तो किसी प्रकार की नोटिस आई हो या खबर आया हो हमें पता नहीं है, मगर वो किसी की तरफ झुकेंगे तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के संविधान की तरफ ही झुकेंगे. अब संविधान क्या कहता है, 3 पॉइंट हैं जो कि बिल्कुल स्पष्ट हैं और यहाँ बैठे हर कोई इससे सहमत होगा. नंबर 1,
हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि गवर्नर जो है, महामहिम जो है, उनका डिस्क्रिशनरी, एब्सोल्यूट डिस्क्रिशनरी पावर है कि कौन स्थायी सरकार दे सकता है उसको निमंत्रण दे। नंबर दो, जो भी सरकार को बुलाते हैं, जो भी पार्टी को वो बुलाते हैं या दल को बुलाते हैं, उसको मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए कुछ दिन दिया जाए। नंबर तीन, ये मेजॉरिटी बस में भर के लोगों को ले जाके परेड करने से या चिट्ठी से प्रूफ नहीं होती। वो कुछ दिन में क्या करेंगे सर, एक सवाल है। नहीं, चलिए चलिए चलिए, आपको वजूभाई वाला जी ने आमंत्रित कर दिया, येदियुरप्पा जी कल स्वेरिंग इन कर लेते हैं, शपथ ले लेते हैं और वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बहुमत कैसे साबित करेंगे आप, कैसे आश्वस्त हैं आप, क्या कीजिए? मैं दस सेकंड में बताता हूँ। पहली बात, गोवा के विषय में आपने पूछा था, वो बार बार सवाल आ रहा है और जनता के लिए जवाब जानना जरूरी है, तो मुझे 10 सेकंड गोवा के लिए दीजिए। ये जो है आज अखबारों में छपा हुआ है, गोवा में क्या हुआ था देखिए। जो बुम्बई रिपोर्ट है या सरकारिया रिपोर्ट है, बुम्बई जजमेंट और सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट है, सरकारिया कमीशन ने कहा है कि देखिए, पहले तो आप प्री पोल अलायंस वालों को बुलाएंगे, दूसरे प्रायोरिटी पे आप उनको बुलाएंगे जिनकी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है अगर वो क्लेम स्टेक करता है तो, और तीसरे नंबर पे पोस्ट पोल वाले को बुलाएंगे। गोवा में कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट तो थी, मगर खुद कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी गए थे, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने क्लेम क्यों नहीं स्टेक किया? अरे भैया, आपको याद होगा ना कि उस समय दिग्विजय सिंह जी तो बीच में स्नान कर रहे थे, बीच मतलब समुंदर के बीच में, वहां स्नान कर रहे थे, वो तो क्लेम करने का जवाब दीजिए ना गवर्नर से, तो गवर्नर इनको बुलाते कैसे? आज पे रहिए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर, छोटा छोटा, क्योंकि कई मेहमान और मैं चाहती हूँ कि हर कोई बोल पाए। मैं मुझे बस इतना बता दीजिए, आप बहुमत कैसे साबित करेंगे अगर येदियुरप्पा जी शपथ लेकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं? क्या भरोसा है आपको, कौन कौन टूट कर आएगा, सूटकेस से क्या निकलेगी सरकार? नहीं, आप याद करिए, पहले इससे पहले जब पीवी नरसिम्हा राव जी को राष्ट्रपति ने बुलाया था, वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, तो क्या पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार सूटकेस से निकल कर आई थी? 10 वोट वो कहां से ले आए थे, किस प्रकार से उनकी सरकार पूरे 5 वर्षों तक रह गई? तो देखिए, एक डॉक्टर पात्रा, नरसिंह राव की सरकार पर सीधे आरोप यही लगे थे उस समय, अगर आप याद करें कुछ केसेस फाइल हुए थे, चंद्रा स्वामी को लेकर बहुत सी बातें हुई थी, और उस समय ये लगातार लिखा गया था कि नरसिंह राव ने भ्रष्टाचार को एक सहज स्वीकृत तथ्य बना दिया है, ये लिखा गया था अखबारों में। तो आप अगर ये कहते हैं कि नरसिंह राव की सरकार कहां से निकली थी, तो उस समय एक बार अखबार पलट के देखिए, मुझे याद है क्योंकि मैं तब भी इसी पेशे में था। नहीं, बिल्कुल, मैं इसका जवाब देता हूं। बिल्कुल शशि जी, आप ठीक कह रहे हैं, नरसिम्हा राव जी आप ठीक कह रहे हैं, मेरा यही तात्पर्य बिल्कुल इसमें। बोल ले फिर जवाब दीजिए। कोर्ट प्रोसीजर्स चलाए गए, विज्ञान भवन में कोर्ट सेटअप किया गया, स्पेशल कोर्ट। पहली बार इस देश का प्रधानमंत्री जो है वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री कोर्ट गया, और जिस दिन ये मत डाला गया था संबित जी, मैं लोकसभा के दर्शक दीर्घा में थी, और शायद लोकतंत्र में इमरजेंसी के बाद ये डार्केस्ट मोमेंट था, जो गोविंद चरण मुंडा जी हैं बहुत वेल से बंद हो गया था दरवाजा तब। वैसी हालत तो भाजपा को नहीं करना चाहिए, आप तो एक राष्ट्रीय दल हैं, आप ऐसा मत बोलिए, वेल के उस तरफ रह गए थे। समित जी, एक बात का खतरा ये बताइए कि क्या वोट भी कोई और लिख डाला है इसका, भारतीय जनता पार्टी को भी ये खतरा क्या है? ठीक बोल रही हैं आप भी ठीक बोल रही हैं और शशि जी ने भी ठीक बोला। देखिए, मैं इसीलिए तो बोल रहा था कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने कोर्ट में जाके इस केस को देखा है, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से सरकारें बनाई हैं, उनकी नैतिकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से पूछे? जहां तक आपका सवाल है कि कौन हमें वोट देगा, हम बहुमत कहां से लाएंगे, आपको पता होगा कल आप लोग ब्रेकिंग न्यूज चला रहे थे, मैं कोई संभावना, मैं कोई यहां पर घोषणा नहीं कर रहा हूं, मैं संभावनाएं बता रहा हूं। आपने दिखाया था कि डीके शिवकुमार जो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं, वो कांग्रेस से नाराज हैं। पहले कांग्रेस के लोग गए थे राज्यपाल के पास, डीके शिवकुमार 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स के साथ, वो अपने गाड़ी में अलग से गए थे, ये भी आपने दिखाया था। जो लिंगायत विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कांग्रेस पार्टी से नाराज है, क्योंकि उनको लगता है कि जिस प्रकार से लिंगायतों के साथ धोखा किया गया है, स्वाभाविक रूप से उनकी राजनीति समाप्त तो हो जाएगी, वो अंतरात्मा की आवाज भी होती है, इसके लिए किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं होती। लिंगायत विधायक कहेंगे कि हम समीर जी, और वो आपकी तरफ आ जाएंगे। समीर जी, यदि लिंगायत के आधार पर है तो वो का लिंगा भी कई ऐसे विधायक लोग कह रहे हैं कि भाजपा से कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस का दावा है कि वो कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे। ये जाति युद्ध की जो स्थिति हो रही है वो का लिंगा और लिंगायत के बीच, ये भी इस बात का खतरा भाजपा समझ रही है ही नहीं, या इसको कैसे बचाएंगे? आप भी बस में ले जाएंगे, या आप भी कहीं ताले में बंद करेंगे, या क्या करेंगे? क्योंकि भाजपा के विधायकों को लेकर कांग्रेस का दावा हो रहा है कि वो लोग आपके लोगों को कर लेंगे। मैं आ रही हूं फौरन सर, मैं इसका जवाब देता हूं।
देखिए आलोक जी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि ये बस में भर भर के विधायकों को ले जाने वाला, इसमें एक बहुत ब्रॉड कैनवस पे समझना है कि आखिरकार ये बस वाली कांड हो क्यों रही है। राहुल गांधी जी को अब राजनीति से बस कर देना चाहिए कि मेरे बस में नहीं है। इस कारण से याद करिए चंद्रशेखर, कांग्रेस का ये नियम रहा है जब कांग्रेस सत्ता पे नहीं आ पाती है किस प्रकार जो मुख्य ऑपोजिशन पार्टी है उसको रोकना है। चंद्रशेखर जी के माध्यम से ये एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद किस प्रकार से देवेगौड़ा जी के माध्यम से ये एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद किस प्रकार से आईके गुजराल के माध्यम से ये एक्सपेरिमेंट किया गया और हर बार एक अनस्टेबल अस्थायी सरकार को स्थापित करने का जो प्रयोजन था वो कांग्रेस ने किया है, ठीक वही बस के माध्यम से राहुल गांधी कर रहे हैं। इकट्ठा कर रहा है कि क्या क्या प्रेसिडेंस रहा है। जानकारी की बात आपने सिर्फ इतनी बताई है कि लिंगायतों का गुस्सा आप प्लैंक बनाएंगे, कुछ विधायकों को अपनी तरफ करेंगे और इसी के जरिए आप बहुमत साबित करेंगे, ये आपका एजेंडा दिख रहा है। मैं नहीं जानता। अरे सर थोड़ा सा रुकिए, मैं न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं। नहीं नहीं, न्यूज चैनल दिखा रहे नहीं दिखा रहे, अब सब कुछ सामने है। एक बार मैं चलना चाहती हूँ अब जयवीर शेरगिल और दानिश अली के पास। मीनाक्षी हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं और मीनाक्षी आपको दिखाएंगी कि आंकड़े क्या बता रहे हैं इस वक्त, क्या परिस्थितियां हैं। देखिए गवर्नर वजूभाई वाला, मीनाक्षी बताया जाता है बहुत करीबी है नरेंद्र मोदी के और यहाँ पर कैसे पासा पलट सकते हैं वो, इस पर सबकी नजर है। मीनाक्षी बिल्कुल सही कहा अंजना, इस वक्त वजूभाई वाला जो गवर्नर है उन्हीं के पाले में गेंद है। हालांकि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला क्या होगा ये सामने नहीं आया। अलग अलग दल अपने दावे ठोक रहे हैं लेकिन अहम बात यहां पर यह है कि गवर्नर के पास अभी इस वक्त क्या ऑप्शंस मौजूद है, तो ये इस वक्त हम आपको ग्राफिक्स में यहां दिखा रहे हैं। सीधे तौर पर अगर सबसे पहले ऑप्शन की हम बात करें, वो सबसे बड़े दल यानी बीजेपी को इनवाइट कर सकते हैं, उन्हें सीधे सीधे सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं क्योंकि मुलाकातें दोनों पक्ष की उनसे हो चुकी हैं। अब दूसरा विकल्प यह है कि सबसे बड़ा गठबंधन यानी कि कांग्रेस और जेडीएस को वो इनवाइट कर सकते हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जो दल दोनों दावा ठोक रहे हैं उसको लेकर पहला नंबर किसका आता है और इसी पर सारे के सारे सवाल इस वक्त टिके हुए हैं। लेकिन एक तीसरा ऑप्शन भी यहां पर मौजूद है क्योंकि बहुमत किसी के पास जो है पूरा पूरा नहीं है और ये सब कुछ मिलीजुली सरकार वाली बात हो रही है, तो ऐसे में अगर किसी के दावे से राज्यपाल सहमत ना हो तो फिर राष्ट्रपति शासन का को भी वो लगा सकते हैं, उसकी सिफारिश भी वो कर सकते हैं, तो ये एक अहम बात है। लेकिन अब देखिए क्योंकि येदुरप्पा जब सीधे सीधे ये कहते हैं कि कल के दिन में वो ओथ ले लेंगे, शपथ ले लेंगे, तो किस आधार पर वो ये कह रहे हैं, क्या ऑप्शन यहां पर बीजेपी के पास मौजूद है, इसके लिए भी ये आंकड़े देखने बहुत जरूरी है। बीजेपी अभी 104 सीट पर है यानी 8 सीट वो बहुमत के आंकड़े से दूर है। अब ऐसे में कैसे ये 8 सीटें जुटाई जाएंगी, ये बढ़ावा देगी कांग्रेस और जेडीएस में किसी तरह की तोड़फोड़ हो या फिर उसके विधायकों को वहां से तोड़ने की कोशिश हो। अब अगर ये प्रयास होता है तो इसमें भी एक और अहम संभावना यहां पर बनती है, वो ये कि 14 विधायक जिनके समर्थन की जरूरत बहुमत तक पहुंचने के लिए बीजेपी को है, उन विधायकों को अगर गैर हाजिर करवा दिया जाए और ये रणनीति अगर कामयाब इसमें हो पाती है बीजेपी तो यहां पर बहुमत जुटा पाने में सफल हो जाएगी। और ऐसे 14 विधायक हैं जो अगर गायब रहते हैं सदन से तो ऐसे में बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा पूरी तरह से शामिल होगा और ये आंकड़ा होगा 111 का और ऐसे में बीजेपी इसे पाने में कामयाब रहेगी। लेकिन बहुत दिलचस्प है इतिहास में भी एक नजर डालना, ये नजर इसलिए क्योंकि सारे सवाल यहां पर नैतिकता पर उठ रहे हैं, सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि इससे पहले कब कब ऐसी परिस्थितियां बनी और सरकार किसकी बनी। तो देखिए जब बड़ा दल दूसरा था लेकिन जो पार्टियां दूसरे और तीसरे नंबर पर मौजूद थी उन्होंने मिलकर सरकार बना ली, तो ऐसी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। चलिए ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए क्या परिस्थिति बन रही है। ये गवर्नर के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, वहां पर नारेबाजी हो रही है, विधायकों का हुजूम है, ये ताजा तस्वीरें दिखाई है वहां की, और यहीं पर वो बस है जहां पर कांग्रेस के विधायकों को वहां से हटाया जा रहा है। ये देखिए किस तरह की भीड़ है और क्या कुछ हो रहा है। मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ ये पूछने के जी, जहां जी जयवीर शेरगिल, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आप नैतिकता बार बार बीजेपी को कह रहे हैं और ये सवाल हर कोई उनसे पूछ रहा है कि कहां से लाएंगे, क्या जोड़ तोड़ की परिस्थिति वो बनाएंगे जानबूझकर, लेकिन आप भी तो एक बार सिर उठाकर कह दीजिए कि ये मैंडेट वाकई कर्नाटक की जनता ने इस बात के लिए दिया है कि 40 विधायकों वाली एक पार्टी का आप मुख्यमंत्री उन पर थोप दीजिए। कहिए कि ये मैंडेट आपकी सरकार के लिए है, आपको लगता है कि ये मैंडेट आपकी सरकार को वापस लाने के लिए है, वो भी जेडीएस का मुख्यमंत्री बनाकर, मतलब बीजेपी को दूर रखने के लिए कुछ भी करेंगे?
व्हाट्स द काउंटर लॉजिक? अंजना जी आप इजाजत दे तो सिर्फ तीन बातें कहूंगा और आपके प्रश्न का उत्तर। सबसे पहले आंकड़े कानून प्रथा के तहत राज्यपाल का यही निर्णय होना चाहिए कि कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन सरकार बनाए। संबित ने एक कानून भी पढ़ा, एक वकील और जिम्मेदारी के से बात कह दूं, ये विषय के हंग असेंबली में पोस्ट पोल कोलिशन या लार्जेस्ट पार्टी बननी चाहिए। 14 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ 3 पे इसकी मोहर लगा दी कि अगर एक पार्टी के गोवा में 21 थे और दूसरी के 14 तो 21 वाला गठबंधन ही बुलाया जाना चाहिए और वही गोवा में हुआ। तीसरा, बहुत ही जानकारी वकील अरुण जेटली ने 13 मार्च 2017 को ट्वीट करके कह दिया था कि संविधान में साफ लिखा हुआ है कि अगर हंग असेंबली है पोस्ट पोल कोएलिशन को ही बुलाना चाहिए, अंडरलाइन करके इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। मेरे चलिए दानिश जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया एक छोटे से ब्रेक के बाद लेंगे। हम फौरन लौट रहे हैं, आप देख रहे हैं कवरेज। तस्वीरों के साथ आपको छोड़कर जाना चाहते हैं, किस तरह से विधायकों का हुजूम, नारेबाजी, कहीं गवर्नर हाउस के बाहर, कहीं कांग्रेस दफ्तर पर। फौरन लौट रहे हैं, ये देखिए तस्वीरें। सीएम वही जो गवर्नर मन भाई, एक बार फिर से हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप, तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर मौजूद है। बीके अग्निहोत्री जी, राज्यसभा में महासचिव अभय दुबे जी को भी अभी बोलना है, लेकिन उससे पहले एक बार दानिश अली जी से जरा रिएक्शन जल्दी से ले लेते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वहां पर तमाम विधायक पहुंच रहे थे, किसे कैसे बस में कहां से कहां ले जाना है, कहां पर छिपने की जगह देना है, तमाम पार्टियां इसमें जुट गई हैं, उन्हें डर लग रहा है अब बीजेपी से। ये कांग्रेस के लिए जो बस बनाई गई है उनके विधायकों के लिए, उसमें एक एक करके वो ले जाते हुए भीड़ दिखाई दे रही है, अलग अलग नेता दिखाई दे रहे हैं। कोशिश ये है कि किसी तरह से हमारी सरकार बन जाए, फिर तो हर कोई हर कुछ करने को तैयार। अब ये विधायकों की तस्वीर आ गई है, लगता है विधायक निकल चुके हैं। हाँ, लग रहा है, ऐसा लग रहा है तस्वीरों को देखकर जी। ये जेडीएस एमएलए हैं और ये शंग्रेला होटल के अंदर की तस्वीरें हैं। अब देखिए शशि शेखर जी की भी हंसी छूट गई और सबकी लगभग हंसी छूट गई है। यहाँ पर शंग्रेला होटल के अंदर की तस्वीरें हैं, होटल में जेडीएस के विधायकों। अब दानिश अली जी, आप मुझ पर मत बरसिएगा, आजकल आपने रीत नई शुरू कर दी है, मीडिया वाले पर पहले बरसते और संबित पात्रा जी पर बाद में। मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ सर कि विधायकों को बचाते फिरना पड़ रहा है आपको। आप चुनाव से पहले खुलकर बीजेपी की मदद कर रहे थे डमी कैंडिडेट्स उतार कर, और अब चुनाव के बाद आप कांग्रेस के साथ सरकार बनाना चाहते हैं। क्या कर्नाटका का मैंडेट वाकई इस बात के लिए है कि 40 विधायकों वाली पार्टी सरकार बनाए, मुख्यमंत्री बनाए? दानिश जी, अंजना जी, फिर आप कहते हैं कि मीडिया पर क्यों बरसते हैं? अब आप इतना बड़ा आरोप हमारे ऊपर गढ़ रही हैं स्टूडियो में बैठ के कि हम बीजेपी की मदद कर रहे थे कांग्रेस से पहले, कि डमी कैंडिडेट्स दे रहे थे, और कुछ लोग कह रहे थे कि श्री कुमार स्वामी और अमित शाह की डील हो गई है, बीजेपी और जेडीएस एक साथ ही जाएंगे, तो ये सबके मुंह पे तमाचा लगा है। और जहां तक मैंडेट की बात है, मैंडेट जो है 57% लोगों ने बीजेपी के खिलाफ दिया है, और जो भी प्रवचन संबित पात्रा जी दे रहे थे यहां बैठ करके, शायद भूल गए कि लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली जो है कानूनी तौर पर जिसकी संख्या ज्यादा है गवर्नर को उसको इनवाइट करना पड़ेगा। ये लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और गोवा वाले मामले में, और जिसमें जो बोमई के केस की बात बार बार होती है सरकारिया कमीशन की, बोमई के केस में जजमेंट में ये था कि जो सरकार इलेक्टेड है ऑलरेडी उसका फैसला राजभवन में ना हो करके फ्लोर पे हो। मान लीजिए किसी सरकार से कुछ एमएलए अगर समर्थन वापस लेते हैं तो वो समर्थन वापसी ट्रस्ट वोट जो है राजभवन में ना हो करके वो असेंबली के पटल पे हो। दोनों बुनियादी फर्क हैं दोनों बातों में। और भारतीय जनता पार्टी जिस चाल चरित्र और चेहरे की बात करती थी वो आज एक्सपोज हो रहा है यहाँ पर। आजकल नहीं बोलते हैं, तीनों शब्द छोड़ दिया, ये तो अडवाणी जी के युग की बात है। सिंगल लार्जेस्ट, कहाँ है आप, ये तो पुराने युग की बात है, ये तो पिछली पीढ़ी वाले जो मार्गदर्शक मंडल में सब चले गए। अरे दानिश जी, ये तो मार्गदर्शक मंडल की टाइम की बात आप कर रहे हैं, इससे पहले कि अभय दुबे जी और ये बोले, एक छोटा सा सवाल है सर, ईमानदारी से बताइएगा, शंग्रीला होटल का दिखाइए, इनके विधायकों की तस्वीर दिखाइए जो शंग्रीला होटल
होटल में है। सर मोबाइल वोबाइल भी ले लिया है ना उनसे, मोबाइल सीज किया है कि नहीं इन सब का, विधायकों का? देखिए देखिए सुनिए अंजना जी, उसकी हमें जरूरत नहीं है। हमारे विधायक बसों में जेडीएस और कांग्रेस के विधायकों के लिए अरेंजमेंट किया गया था कि गवर्नर साहब को जाकर के हम बताएं कि हम 116 ये खड़े आपके सामने हैं, और बीजेपी जो स्पॉन्सर्ड एजेंडा चलवा रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि कैसी बात कर रहे हैं, कांग्रेस के टूट गए, ड्राइवर बता रहा था किस रिसोर्ट में ले जा रहे हैं, शंग्रीला होटल में बैठे हैं, शंग्रीला होटल में कौन है गवर्नर आ रहा है नहीं है? अरे अब आप ड्राइवर की क्रेडिबिलिटी करोगे? दानिश साहब, अरे सफेद झूठे तो शंग्रीला होटल है, गवर्नर शंग्रीला होटल में थोड़ी है सर। मना कर दिया, कहा कि सिर्फ 10 लोगों से ज्यादा है, 11वें लोग नहीं मिलेंगे। सफेद झूठ सर, हम सफेद झूठ, हम 116 लोगों को ले जाना चाहते थे राजभवन, उसके लिए होटल है, हम 116 लोगों को राजभवन ले जाना चाहते थे और गवर्नर साहब ने कहा कि सवाल आपसे पूछा जा रहा है शेखर जी, अबे दुबे जी। अरे दानिश साहब एक सवाल है भाई, शंग्रीला होटल, मेरा सवाल ये है कि आखिर इतना भय किस बात का है? पब्लिक ने आपको चुना है, जनाधार जो है आप बता रहे हैं कि जनता का जो समर्थन 57% 58% लोग कर्नाटक के आपके साथ हैं, तो इतना भय क्या है कि आपके विधायक जो हैं इधर उधर फिर रहे हैं? मैं नहीं बता रहा हूँ, आपका भी एनालिसिस है। आप कर्नाटक के किसी भी जानकार, कर्नाटक के किसी भी पत्रकार से बात कर लीजिए, कम से कम 8 पत्रकारों से तो मैंने बात की है और सब लोग एक ही बात कहते हैं कि पुराने मैसूर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को तो वैसे पैर टिकाने के लिए भी जगह नहीं, उसके बाद अपने दफ्तर भी नहीं कई इलाकों में, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को के लोग जो जीते हैं वो जेडी जनता दल सेकुलर ने वोट ट्रांसफर कराए हैं और भाजपा ने अपने डमी कैंडिडेट खड़ा करके उन लोगों को जीतने में मदद की है ताकि कांग्रेस का रिजल्ट वहां पर सीमित किया सके और इस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कामयाब रही। अब भाजपा की विडंबना यह है कि वही लोग जिनके साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा आज वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चले गए हैं, क्योंकि कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक चला और परिस्थिति पूरी तरीके से बदल गई। वो पाले के उस तरफ थे, आज वो पाले के इस तरफ है, जो राजनीति उस तरफ हो रही थी वो राजनीति आज इस तरफ हो रही है। हाँ। जो पहले खुफिया गठजोड़ था वो दूसरी तरफ खुला गठजोड़ है उनके सामने। ठीक है वी के अग्निहोत्री जी, अब सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे पता है आपके लिए मुश्किल होगा एक बार में जवाब देना, लेकिन सवाल यह है कि अगर आप कर्नाटक के गवर्नर होते तो आपका विवेक आपसे क्या कहता और आप क्या करते? आप किसको पहले बुलाते, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या पोस्ट इलेक्शन जो अलायंस है, पोस्ट पार्टी अलायंस को बुलाते, क्योंकि वो सबसे बड़ा है और उसका बहुमत स्पष्ट दिख रहा है, आप दोनों में से किसको बुलाते? इसमें यही है कि गवर्नर को यह देखना है कि स्थायी गवर्नमेंट कौन दे सकता है, उनको अपने विवेक के अनुसार ये निर्णय लेना होगा कि स्थायी गवर्नमेंट कौन दे सकता है। तो अगर उनको ऐसा लगता है कि जो गठबंधन है उनके पास ज़्यादा हैं विधायक, तो उनको चांस देना चाहिए, क्योंकि चांस देना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो जैसा कि मुंबई केस में निर्णय लिया, सजेशन दिया गया था या डिसीजन दिया गया था कि ये फ्लोर ऑफ द हाउस पर निर्णय होगा कि क्या है। तो सवाल यही किसको पहले बुलाना, उस पर उनको अपना विवेक का के अनुसार निर्णय लेना है कि किसको बुला के पहला चांस दिया जाए। मनीषा जी आपसे सहमत हैं, पीछे एक सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जब ये बताया जाता है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे टेस्ट किया जाना चाहिए तो ये पता नहीं बताया जा रहा कि इस पता पे कीजिए वहां नहीं कीजिए, इसके पीछे सेंस ये है कि हाउस लेजिस्लेचर जो संप्रभुता का स्थान है, जहां आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहां आके जो तय तरीका है वहां भी सीक्रेट बैलेट के साथ, पार्टियों के विप के साथ मत दिया जाता है और लोगों का मत जो अभिमत की एमएलए प्रेजेंट कर सकते हैं वो लोगों के बिहाफ पे वो मत सदन के पटल पे डालेंगे, विधानसभा के पटल पे डालेंगे। तो सेंस ऑफ द हाउस की जो बात है, सेंस ऑफ द हाउस की बात में ये समझदारी है कि जो जिस तरह का मत अभी डाला गया है उस मत पे, जैसा आपने ही कहा, कहीं से जनादेश का ये इंटरप्रिटेशन तो नहीं हो सकता कि जेडीएस को पूरे कर्नाटक की जनता ने कहा कि इनको आप
और गठबंधन का सेंस जो है ये क्लेम जवाब सेकंड में बनाया गया। जयवीर शेरगिल, ये क्लेम कुछ ये सब का कहना है कि आपको भी अंदर से ये एहसास तो होगा सर कि ये जनादेश 40 विधायकों वाली पार्टी को मुख्यमंत्री, मतलब ये जो राजनीति आप इस देश पर थोपते आए हैं कई बार और एक बार फिर से थोप रहे हैं यहाँ पर, आपको लगता है कि आप मतलब बीजेपी पार्ट टू बनना चाह रहे हैं कि गोवा में किया, मणिपुर में किया, तो हम भी करेंगे यहाँ पर? अंजना जी, जो मुझसे पहले बोल रहे थे वो सही कह रहे हैं और यही बहस हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने गोवा वाले मसले में रखी थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया एक जजमेंट का 14 मार्च को। ये फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस या भाजपा क्या कह रही है, अब इस देश का कानून है कि अगर पोस्ट पोल कोएलिशन का आंकड़ा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी से ज्यादा है तो गवर्नर साहब को उसको ही बुलाना पड़ेगा। हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का वो कानून जो हमारी याचिका में आया था, जो मेघालय, गोवा और मणिपुर में लागू हुआ था, वही आज कर्नाटका में लागू हो। ये तो सुप्रीम कोर्ट का लिखित कानून है। आज दिक्कत ये हो रही है जो मैंने अरुण जेटली की ट्वीट की भी जिक्र की, अरुण जेटली जी के ट्वीट का, अरुण जेटली के ट्वीट से थोड़ी ना सरकारें बनेंगी और गिरेंगी। कानून संविधान, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। देखिए, मैंने बड़े ध्यान से जयवीर शेरगिल जी को सुना और मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को भी अभी सुन रहा था। मैंने सोमनाथ चटर्जी जी को सुना, मैंने सोली सुराब जी को सुना, मैंने सुभाष कश्यप जी को सुना और मैंने हरीश सालवे जी को सुना। चारों का एक मत है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाना चाहिए। क्या ये सुप्रीम कोर्ट के विषय को नहीं जानते हैं? ये देखिए, मैं ट्वीट भी लेके आया हूँ रणदीप सिंह सुरजेवाला। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पश्चात रणदीप सिंह सुरजेवाला जो इनकी कम्युनिकेशन के हेड, वो लिखते हैं, 9 जजेस एसआर बोमाइज केस क्लियरली डिसाइडेड दैट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी has to be called to form the government. Why is Modi ji trampling democracy? मतलब मोदी जी उस समय डेमोक्रेसी खराब कर रहे थे। जहां तक कोर्ट की बात ये कर रहे हैं, 2017 में सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कोर्ट में, जहां की जेएस केहर उस समय चीफ जस्टिस थे, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाना चाहिए। कोर्ट ने कहा बिल्कुल बुलाना चाहिए, मगर वो पहले दावा तो प्रस्तुत करे। आपने दावा क्यों नहीं प्रस्तुत किया था गोवा में, ये तो बताइए। दिग्विजय सिंह जी जिस समय हम दावा पेश कर रहे थे संख्या के साथ, वो क्या कर रहे थे, ये तो बताइए। ये आधा अधूरा ज्ञान क्यों दे रहे हैं, पूरा बताइए कि आखिर आप लोगों ने दावा क्यों नहीं पेश किया। याद करिए, यहां मूर्धन्य लोग बैठे हैं, शशि जी बैठे हैं, राजीव गांधी जी ने भी 1996 में जब बुलाया गया अटल बिहारी वाजपेयी को, तो उससे पहले जब वेंकट रमन जी के समय राजीव गांधी जी को बुलाया गया सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद भी उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास मैंडेट नहीं है, मैं नहीं जा सकता। आज वेंकट रमन जी ने उन्हें पहले बुलाया था। अंजना जी शेरगिल जी विधायकों को देखिए, किसी को होटल में, किसी को बस में, उत्तर क्या हो रहा है सर? आज दिक्कत अंजना जी हाँ उस पे मैं बोलना चाहता हूँ। आज दिक्कत ये हो रही है, बिहार की तरह भाजपा जब जश्न, लड्डू और शहनाई में व्यस्त थी, कांग्रेस और जेडीएस ने हल्ला बोल दिया और अब ये इनसे हजम नहीं होगा। कम से कम ये इंटरेस्टिंग है कि कांग्रेस पार्टी इस बार फाइट तो पुट अप कर रही है, हमें डर है कि एक जंग तो उन्होंने छेड़ दी। देखिए, एक बात बताओ, कल ये अक्सर बात होती थी कांग्रेस के लिए कि इनमें किलर्स इंस्टिंक्ट नहीं है। गोवा में सबसे दिख रहा है, गोवा में सबसे बड़ी पार्टी बने और बीजेपी इनके हाथ का निवाला छीन के ले गई। अब ये पहली बार कम से कम उसी शैली का जवाब दे रहे हैं जो अब तक जी ने कहा, जो जैसा है उसका मुकाबला वैसे से ही हो रहा है। लेकिन आप ये भी याद रखें कि जो बैकग्राउंड देखा जाता है कि कैसे देवगौड़ा जी से तख्ता नीचे से हटा लिया गया था, जब इस तरह की खरीद फरोख्त के साथ टाइम भी यदि समझौता होगा, इस बात की अनिश्चितता, ये भी तो गारंटी कांग्रेस को देना चाहिए कि ठीक है, हम 5 साल कुमार स्वामी के साथ चलाएंगे। क्या शेरगिल साहब इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि उनके सारे विधायक रहेंगे? आपका यही है सवाल, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। जयवीर शेरगिल जी, कैसे आश्वस्त करेंगे आप गवर्नर को, क्योंकि अभी ही कुछ विधायक इधर से उधर से गायब हो रहे हैं, किस स्थिर रख पाएंगे आप सर? देखिए, हमने गवर्नर साहब को दे दिया है कि हमारे साथ 117 MLA हैं। अगर मेघालय में 2 MLA के साथ भाजपा स्थिर सरकार चला सकती है, हमें पूरा विश्वास है हम कर्नाटका में 117 MLA के साथ चला सकते हैं। लोकतंत्र का वजूद रखने के लिए
वज्जू भाई जरूर जेडीएस और कांग्रेस को न्योता देंगे, ये हमारा विश्वास है। अगर नहीं होगा, कभी ऐसे शंका होगी तो फ्लोर टेस्ट हो सकता है, उसके लिए भी तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी की, जहां तक मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की दो विधायकों की बात कर रही, याद रखिये वो प्रीपोल अलायंस था, हमारे दो और एनपीपी के 19, कुल मिला के 21 और कांग्रेस के भी 21 थे। जहां तक स्थायी सरकार का सवाल है, अभी सर फुटावल शुरू हो गया है। बताइए ये जेडीएस जो हुबलो वॉच को लेकर सिद्धरमैया जी पे रोज हंगामा करती थी, वो फोटो भी दिखाइए, मल्लिकार्जुन खड़गे उधर, सिद्धरमैया जी उधर, बीच में गुलाम नबी आजाद लेके गोदी में बैठे हुए एच डी कुमार स्वामी को, अभी से सिर फुटावल चल रहा है, ये स्थायी सरकार देंगे। चलिए ठीक है, एक एक लाइन का कमेंट यहाँ से शुरू करते हैं शशि जी, एक एक लाइन का। अभी दुबे जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम महाभारत के दौर में वापस चले गए हैं, जहाँ पर नीति न्याय किसी चीज का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सत्ता का मतलब। अभय दुबे जी, देखिए सरकार भाजपा की बनेगी, बहुमत भी वो साबित करेंगे, लेकिन इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का जो लाभ ये होगा कि सारे देश में गैर भाजपावाद को पानी मिलेगा। देखिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, इस आधार पर यदि उनको बुला लिया जाएगा तो इसके बाद, लेकिन निश्चित रूप से सरकार चलाना कठिन होगा ये मान के चलना चाहिए, क्योंकि जेडीएस और कांग्रेस सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेगी, जैसा गुलाम नबी आजाद ने कहा। एक लाइन, नहीं सड़कों की लड़ाई की कोई धमकी नहीं होनी चाहिए, अब तो एक स्थायी सरकार चाहिए कर्नाटक को, और अगर वजूभाई वाला जी का आमंत्रण भाजपा को आता है क्योंकि उनके पास संख्या ज्यादा है, तो भाजपा सिर्फ इतना ही आश्वासन दे कि एक प्रत्यक्ष सरकार खुले रूप से बनाएगी, भले ही माइनॉरिटी में रह के मुद्दों पर सपोर्ट ले। अग्निहोत्री जी, गवर्नर से ज्यादा परेशान कोई नहीं होगा कर्नाटक में। हाँ तो ये तो सही बात है, तो इसलिए उनको तो पर टॉस ही करना चाहिए, टॉस कर दे और फैसला कर, और पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ द पॉसिबल। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।